हेलो फ्रेंड्स, होम फूड्स बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के सेब, वो भी रतलामी सेब जिसे कहते हैं हम, वो बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 1.5 कटोरी बेसन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग, अजवाइन जिसे हम हाथों से क्रश कर लेंगे, और लाल मिर्ची थोड़ी सी, काली मिर्ची का पाउडर, मैंने यहाँ पाउडर लिया, आप चाहे तो इसे कूट के भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा काला नमक, और अपना जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो वाला, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। अब हम यहाँ पे एक चम्मच तेल डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से मसल के तेल को हम अच्छे से इसमें पूरे में मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा तेल इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएगा तो हमारे सेब अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हम अच्छे से तेल को इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा येलो कलर का फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी को स्किप करके। ये तेल बेसन में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। ये हाथों में बहुत चिपकता है, इसलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका हम थोड़ा सा एकदम सख्त भी नहीं आटा लगाएंगे, हल्का सा सॉफ्ट से थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे। हमारा आटा लग चुका है, ये अभी बहुत चिपक रहा है हाथों में, तो इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा के इसे अच्छे से मिक्स मसल लेंगे। यहाँ हमने 1 चम्मच तेल ले लिया है। अब इसे अच्छे से बेसन में चारों बाजू लगा के हाथों से मसल लेंगे। हमारा आटा तैयार है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ मैंने सेब बनाने की मशीन ले ली है। इसमें 4 तरीके के सांचे हैं, एकदम बारीक, फिर उससे थोड़े मोटे, और ये मोटे, फिर सबसे ज़्यादा मोटे। तो मैं यहाँ पर ये मीडियम साइज़ का ले रही हूँ। हम यहाँ पहले अपने मशीन में तेल लगा लेंगे अच्छे से, जिससे अंदर बेसन चिपके नहीं। ये हमारा आटा इसमें मशीन में डाल के तैयार है। चलिए अब इसे हम अपना तल लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने सेब बनाएंगे। इसे ऐसे चलाते हुए इसमें से अपने
गैस को हम अपने लो पे रखेंगे, क्योंकि एकदम से जैसे ही हम इसमें सेव डालते हैं तो भाप ऊपर की तरफ आती है, हाथ जलने का डर रहता है। गैस को मीडियम पे करके इसे अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले क्योंकि मुझे बेसन के सेव में सोडा ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसे हम अभी पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। इसमें जैसे जैसे झाग कम होते जाएंगे, इसका मतलब हमारे सेब अच्छे से अंदर तक सीख चुके हैं। अब देख सकते हैं इसमें झाग कम होने चालू हो गए हैं, यानी कि हमारे सेब अच्छे से सीख चुके हैं। इसे हम थोड़े से और पका लेंगे। हमारे सेब अच्छे से सीख चुके हैं, इसे अब हम साइड में निकाल लेंगे अच्छे से। इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे साइड में से। इसी तरह हम अपने और सेब बना लेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे, गैस को थोड़ा कम करके मीडियम पे रख के फिर सेब इसमें हम बनाएंगे अपने। आप जितने से इसमें सेब हैंडल कर सकते हैं उतने ही डालिएगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे झाग कैसे कम होते जा रहे हैं। हमारे ये सेब भी बनके तैयार हैं, इन्हें भी हम साइड में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपने बाकी के सेब भी सेक लेंगे। हमारे रतलामी सेब बनके तैयार हैं। इसे मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। आप इसे चाय के साथ खाइए, बहुत खाने में अच्छे लगते हैं। या आप पोहा खा, पोहे के ऊपर डाल के खाइए, खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए, बहुत हफ्ता 10 दिन आराम से चल जाते हैं। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल होम फूड्स बाय चंचल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।